नमा ओं विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारणे जय श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यारे भाई और बहनों, बालकों व बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है। गुरु गौरांग और कृष्ण कृपा से हम जो भी दो शब्द आपसे कहेंगे, कृपया ध्यान से सुनिए, उनको जीवन में धारण कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन को इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाइए। आज हम गुरु कृपा से आठवें अध्याय का छठा श्लोक ले रहे हैं। ये श्लोक भगवत प्राप्ति का है, ये अध्याय भगवत प्राप्ति का है। यम यम भापी स्मरण भावम त्याजते अंति कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए श्री त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं आ गई हैं, गलत विचार आ गए हैं। लोग कहते हैं तुम किसी की पूजा करो, किसी की भक्ति करो, पहुंचना एक ही जगह है। जैसे कि यहां पर हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि आप अंत में कुछ और भी सोच रहे हो तो भी आपको दिव्य व्यवस्था प्राप्त होगी, तो ये बात ठीक नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है हमारे गुरु महाराज ने। उदाहरण क्या है? जैसे हमको दिल्ली से बम्बे जाना है, मैंने टिकट ले ली दिल्ली से कलकत्ता की, तो मैं कलकत्ता पहुंचूंगा या बम्बे पहुंचूंगा? मैं कलकत्ता पहुंचूंगा। बम्बे जाने के लिए बम्बे की टिकट लेनी पड़ेगी, अर्थात हम जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे। भगवान अन्यत्र गीता में कहते हैं जो जिसको पूछता उसी को प्राप्त होता है। यान्ति देव व्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता
भूतानि यान्ति भूतज्ञा यान्ति मध्याजनोपि माम। देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों की पूजा करने वाला पितृलोक में जाता है, भूतों की पूजा करने वाला भूत बनता है, और मेरी पूजा करने वाला ही मुझे प्राप्त होता है। ये साफ भगवान कह रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तभी हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी, पर अगर हम कहीं इधर उधर हैं तो फिर हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमने अपनी इस भूल का सुधार करना है। देखिए यहां भगवान भाव की बात करें, स्मरण भावम यम यम बापी स्मरण भावम, मनुष्य जिस भाव का, तो ये भाव बनाना बड़ा आवश्यक है। आज दुर्भाग्य से शिक्षा दीक्षा ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चों का भाव अच्छा नहीं बन रहा, हमारी यंग जनरेशन को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं मिल रही, जिसके कारण वो लोग बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी देखो ड्रग्स आ रही हैं, ड्रग्स लेते हैं बच्चे और बड़ी गति खराब हो जाती है उनकी। भारत में ये चीज़ें नहीं थी, ये घुस गई भारत में। बच्चे जो हैं कई बार फिर आत्महत्या कर देते हैं, सुसाइड्स कर देते हैं, मर्डर्स कर देते हैं, ये हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका भाव नहीं बना। जैसे बच्चों को पहले उनका भाव बनाने के लिए गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरु हितम। ब्रह्मचारी गुरु में, गुरु के निर्देश में रह करके, गुरु के निरीक्षण में, गुरुकुल में रह करके गुरु के हित के लिए कार्य करता था, गुरु हितम। और वो गुरु भी उसे बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे, सब अच्छा सिखाते थे। वो गुरुकुल में पढ़ा होगा बालक, वो अगर गृहस्थी भी बनता था तो बड़ा अच्छा गृहस्थी बनता था, प्रायः वो कई त्यागी भी बन जाते थे। वैसे ये जो झंझट है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवती हैं तो अनुमति दी है, आदमी गृहस्थाश्रम में जा सकता है, पर मर्यादा से, नियम से। गृहस्थाश्रम में जाकर के व्यक्ति नियमों का पालन करे। तो आज हमारा जो जो युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो बिल्कुल भटक गई है। अब देखो क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी जो है उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक ना होने के कारण ये जो पाश्चात्य शिक्षा जो सारी यहां आ गई, और हमारे अब देखो कि बुराई को व्यक्ति बड़ी जल्दी पकड़ता है, अच्छाई कठिनाई से पकड़ी जाती है। तो हमारी युवा पीढ़ी बुराई को बड़ी जल्दी से पकड़ रही है, ड्रग्स आ रही हैं और ये सब बुराइयां आ रही हैं, जिसके कारण बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बड़ी अशांति है हमारी युवा पीढ़ी में आ गई है। तो इसको ये जो हमारी गुरुकुल पद्धति है इसके द्वारा इसको रोका जा सकता है। कृष्ण भावना को अंगीकार करने से इसको रोका जा सकता है। शुरू से हम अपने माता पिता बच्चे जो हैं उनके स्कूल में भेजने से पहले घर में भी उनको प्रशिक्षण दें, घर में उनकी तरफ ध्यान दें, उनको कृष्ण के विषय में बताएं, आत्मा और परमात्मा के विषय में बताएं, जीवन का उद्देश्य बताएं। ये बच्चों को बातें पता ही नहीं है। आजकल की शिक्षा क्या है, बस पेट पालने के लिए। एमए पीएचडी किसने की है वो डिग्री लेके जा रहा है, भाई मुझे नौकरी तो नौकरी फिर भी नहीं मिलती उसकी, वो बेचारा भटकता है, नौकरी नहीं मिलती है, दुखी होता है। तो वैसे तो शिक्षा क्या है, मैं अगले अध्याय में भगवान बता रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ये सारी विद्याओं का राजा है, और इसे पा करके तू सुखी हो जाएगा, सुसुखम। क्यों एक ज्ञान पाके सुखी क्यों हो जाएगा तू? क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, भौतिक जगत का ज्ञान है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है। तो ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है, आज जिसका अभाव हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी कारण हमारी युवा पीढ़ी में बड़ी अशांति है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। कभी बच्चे देखो पीछे, जब एक बार कोई पता नहीं वो कमीशन क्या बना था जिसमें भारत में कितने बच्चे जो हैं वो मर गए थे, आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। अब देखो कि बच्चों ने स्वयं अपने आप को जला लिया,
तो ये सब फ्रस्ट्रेशन है, ये शिक्षा की कमी है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की कमी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबको इस गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने देखो, विदेशी लोग वहां भी, युवा पीढ़ी बड़ी भटकी हुई थी, ड्रग्स लेते थे, हिप्पी बने हुए थे, बड़ी बुरी हालत थी, और बड़े बड़े घरों से हिप्पी बने हुए थे। गुरु महाराज ने उन हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, उनको शिक्षा दी, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। जो ड्रग्स लेते थे आज वो चाय कॉफी भी नहीं पीते। तो एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने पूरे संसार में किया, पूरे संसार के लोगों को बदला। तो अभी की जो शिक्षा है उसमें ये शिक्षा का सम्मिलित होना बड़ा आवश्यक है। मेरी निवेदन है सभी अपने भारत के नेताओं से कि हमारी शिक्षा प्रणाली को अच्छा करें, इसको धार्मिक करें, इसको आध्यात्मिक करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और घरों में भी बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, माँ उसको अच्छी बातें सिखाए, देश प्रेम की बातें बताए, देशभक्तों के विषय में बताए, आत्मा परमात्मा के विषय में बताए, कृष्ण भगवान के विषय में बताए, राम भगवान के विषय में बताए, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताए। और संत महात्मा, भारत में बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, और अभी भी हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी हुए हैं, इनके विषय में बताए। इससे हमारी युवा पीढ़ी का भाव अच्छा बनेगा। जब युवा पीढ़ी का भाव अच्छा बनेगा ना, तो कुभाव, बुरा भाव उनके मनों में नहीं आएगा। शुरू से भाव को बिल्टअप नहीं कर सकते, भाव को नहीं बना सकते, तो कुभाव तो घुस जाता है एकदम आकर के, और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक तो ये जो फ्री मिक्सिंग है ना, ये अच्छा नहीं है, इसे रोकिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये अच्छा नहीं है, इसे कृपा करके रोकिए। देखो विदेशों में ये है ना, आप जाके देखो विदेशों में क्या हालत है, किसी को कोई शांति नहीं है। दे हैव नो पीस, रादर दे आर इन पीसेस। तो हम क्यों फिर उनके चाल चलन पे चलें, जब वो जिस चाल चलन पे वो चल रहे थे वो इतने फ्रस्ट्रेट थे, इतने दुखी थे। आपको पता है विदेशों में कितनी आत्महत्याएं होती हैं, क्या पाप वहां पर होते हैं, पाप ही पाप होते जा रहे हैं, और वो हमारे भारत में भी आ रहे हैं। हमारा काम उनकी नकल नहीं करना है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि भारत का काम टेक्नोलॉजी में उन्नति करना नहीं है। तो भारतीयों का काम क्या है, ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पूरी दुनिया को देना। अगर भारतीय लोग आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पूरी दुनिया को देते हैं तो पूरी दुनिया के लोग सुखी हो जाएंगे। आज सारी दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। हमारे गुरु महाराज सच्चे भक्त भगवान श्री कृष्ण के जब गए, कितने यंग्स उनके पीछे चल पड़े, उनके जीवन बदल गए। आज ऐसे संतों की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से जनता का कल्याण चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को उन विदेशियों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना, बल्कि अपनी संस्कृति को बना के रखना है। हमारी संस्कृति में भाव की प्रधानता है, और भाव अच्छा होने से ही हम अच्छे बन सकते हैं। फिर ये जो आज हमारे सामने समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आत्महत्या की समस्या है, ये जो सेल्फ एमुलेशन की समस्या, कई समस्या हैं, ये जो यूथ में बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ये घटना शुरू हो जाएंगी और समाप्त हो सकती है। तो इनको केवल इस कृष्ण भावना के द्वारा रोका जा सकता है, अच्छी शिक्षा के द्वारा रोका जा सकता है। तो वही उसी भाव की बात भगवान ये कहते हैं कि जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो एक तो हम अपना सुधार करें, अंत का हमें चिंतन ही नहीं है कि मेरा अंत होगा, क्योंकि मैं खो गया हूं दुनिया में। मैं दुनिया में लॉस्ट होने के कारण, खोने के कारण अंत को भूल गया हूं। अंत समय मुझे मेरा ध्यान ही नहीं आ रहा। तो अंत अच्छा करने के लिए, भाव को अच्छा बनाने के लिए आज का मुझे ध्यान करने पड़ेगा। इफ यू टेक केयर ऑफ टुडे देन गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। आज का ध्यान हमें करना है। तो आज का ध्यान कैसे होगा, कृष्ण भावना से भावित होने से। मैं आपसे बार बार यही अनुरोध करता हूं, आप प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो। हमारे जो यूथ्स हैं उनको प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो। हमारा बीबीटी बॉम्बे है, जूहू है,
वहाँ आप लिखो, वहाँ से आपको कैटलॉग आएगा, बुक्स पढ़ो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बड़ी अच्छी बुक है, हर प्रश्न का उत्तर हमारे गुरुजी दे रहे हैं। और साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को पढ़कर ऐसे ऐसे लोग भक्त बने हैं जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जो आलोचना करते थे। भगवद गीता पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, ये पुस्तकें आपको ठीक मार्ग पर चलाएंगे, कोई संदेश में नहीं है। क्योंकि ये पुस्तकें एक ऐसे महान वैष्णव के द्वारा, आचार्य के द्वारा रचित हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से थे, दिव्य स्तर पर थे और जीवों का कल्याण चाहते थे। आज स्वार्थ भाव हमें बहुत आ गया। अगर कोई साधु कथा भी करता है, वो सोचता है मुझे इससे कुछ पैसे मिलेंगे, स्वार्थ आ गया ना। अरे भाई, भगवान जब सब जीवों को पाल रहे हैं, क्या जो भगवान की कथा निस्वार्थ भाव से करेगा उसको भगवान नहीं पालेंगे? अफ्रीका के जंगलों में भगवान करोड़ों हाथियों को भोजन दे रहे हैं, एक हाथी दो मन रोज का खाता है। कृष्ण भगवान हाथी को मन और कीड़ी को कण खाने के लिए देते हैं। तो हम लोगों को निस्वार्थ भाव से ये कृष्ण की भक्ति में लगना है, कृष्ण प्रचार में लगना है। यही हमारे गुरु महाराज की बहुत बड़ी देन मानव समाज को है। तो यहां पर गुरु महाराज आगे कह रहे हैं, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांत हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक बड़े विचारने की बात है। महाराजा भरत, जिनके नाम से इस प्लैनेट का, इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा, पहले इसका नाम इलावृतवर्ष था। महाराजा भरत ने जब राज किया, इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। तो महाराजा भरत वो बड़े ही महान राजा थे, राज ऋषि थे, संत रूपी राजा थे। अभी तो क्या हुआ, जब उनका अवकाश प्राप्त का समय आया, उन्हें अपनी सुंदर रानी, सुंदर बच्चे, संसार का राज, ये सारा संसार भारतवर्ष है। आप देखिए कि आपके सामने पाकिस्तान बना, 100-200 साल के बाद कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन आपने तो बनता देखा। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, इंडोनेशिया मलेशिया में आज भी भारतीय संस्कृति है, वर्मा भारत का हिस्सा था, नेपाल में, नेपाल भी भारत, ये सारा संसार भारत था। धीरे धीरे भारत कटता जा रहा है हमारी कमियों के कारण, ये सारा संसार भारतवर्ष है। तो ये जो संस्कृति है, ये बड़ी दिव्य संस्कृति है, इसको बनाए रखना हम सबने। तो महाराजा भरत इस सारे संसार के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे और राज ऋषि थे, संत रूपी राजे थे। अभी क्या हुआ, महाराजा भरत का जब रिटायरमेंट का समय आया, सब कुछ छोड़ के पुलहा आश्रम में चले गए, गंडकी नदी के किनारे, और वहां पर महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी। समाधि की अवस्था प्राप्त हुई। समाधि कब लगती है, जब मन संकल्प विकल्प छोड़ देता है और आत्मा को जानने में लग जाता है। तो महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी। प्यारे भाइयों बहनों, वो बड़ी दूर की स्टेज है, लेकिन हुआ क्या कि एक दिन महाराजा भरत अपने आश्रम में बैठे थे, तो पास में शेर के धाड़ने की आवाज हुई। शेर जब धाड़ा तो पास में एक हिरणी चर रही थी, वह गर्भवती थी। तो शेर की जब उसने आवाज सुनी तो घबरा गई। पशु, एक पशु दूसरे पशु को खाता है, तो डर के मारे उसने नदी पार करना चाहिए। घबराहट में जब वो हिरणी नदी पार कर रही है, नदी पार करते समय उसका नदी में गर्भ गिर गया डर से। उसने नदी तो पार कर ली, और नदी पार करते करने के बाद उसने अपने बच्चे को देखा जो पानी में तैर रहा था, नदी में तैर रहा था। उस हिरणी ने अपना शरीर त्याग दिया, वो बेचारी मर गई। महाराजा भरत ये सारा दृश्य देख रहे थे। संत जो है ना, संत का स्वभाव क्या है, पर दुख दुखी। संत किसी को दुखी देखता वो भी दुखी हो जाता है। तो महाराजा भरत संत रूपी राजा हैं,
संत भी राजा थे, अभी तो त्यागी बन गए वो। देखा भी अनाथ बच्चा रह गया, इसका इसकी माँ तो मर गई, उसको उठा के ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसको उन्हें छोड़ देना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, जैसे वो बच्चा हिरणी का बड़ा होने लगा, महाराजा भरत का मोह भी उसके बच्चे के साथ बढ़ने लगा। देखो कितनी रिस्की सिचुएशन है, कितना जोखिम है, हम लोगों को बड़ी सतर्कता से चलना है। अब हुआ क्या, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, महाराजा भरत का अंतिम समय निकट में आ गया। और वो बजाय इसके कि कृष्ण चिंतन करते, जबकि उनकी इतनी बड़ी अवस्था हो गई थी समाधि की, अभी वो उस हिरण का चिंतन कर रहे हैं। वो कहाँ गया, मैं उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं करता था, वो बिना मांग के था, ये था वो था, बड़ी बातें सोचने लगे। और हिरण का चिंतन करते हुए उनका शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया, वो यहाँ कहा ना, यम यम बापी स्मरण भावम त्याजति अंत कलेबरम तम तमे वीति कौंतया सदा तद भाव भाविता। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। इतना त्याग होने पर भी महाराजा भरत का अंत में जब हिरण का चिंतन हुआ तो हुआ क्या, उनका उनकी आत्मा का देहांत हिरण के शरीर में हो गया। लेकिन उनका इतना तप त्याग था, उन्हें याद रहा, उन्हें पूर्व जन्म की बातें याद रही, बड़ा पछताने लगे वो, मैंने क्या कर दिया, मैं हिरण का चिंतन कर रहा था, कितनी गलती की मैंने। और हिरण के शरीर में जब उनकी आत्मा आई, फिर उसी आश्रम में आ गए और वहाँ सूखे पत्ते खा करके गुजारा करने लगे, और इस प्रतीक्षा में कि मेरा शरीर कब छूटे और मैं अच्छे देह की प्राप्ति करके हरि सिमरन करूँ। फिर उनका वो शरीर छूटा, हिरण का शरीर छूटा, और उनको फिर ब्राह्मण के घर में शरीर बना मिला, तो उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत नाम इसलिए पड़ा, वो जानबूझकर गूंगे और बहरे बन गए, ना किसी से कुछ बोले ना कुछ सुने। क्यों भाई, पहले मैंने गलती कर दी, हिरण से मोह हो गया, हिरण का शरीर लेना पड़ा, अभी मैं गलती नहीं करूंगा, वो जो हैं अभी केवल हरि स्मरण करते हैं, हरि भजन करते हैं। एक बार महाराजा राहुगुण के पाल के उठाने वाले कहार जो हैं वो पाल के उठा के ले जा रहे थे, तो उनको एक और आदमी की आवश्यकता पड़ी, तो महाराजा भरत जड़ भरत जी जो महाराजा भरत जड़ भरत के रूप में थे, उनका शरीर बड़ा अच्छा था, हृष्ट पुष्ट था, उनको पकड़ के ले गए, पालकी के आगे लगा दिया, बेचारे लग गए। अभी वो चलते समय देख रहे हैं कि कोई चींटी ना मर जाए। अभी महाराजा भरत जो जड़ भरत के रूप में, वो कोई चींटी भी नहीं मारना चाहते, तो वो अपने कदम जो हैं चींटियों को बचा के रख रहे हैं, और पालकी हिल रही है। और महाराजा राहुगुण को बड़ा क्रोध आया, कौन है ये? तो बाकी तीन जिन्होंने पालकी उठाई थी, जो पहले पुराने, तो कहते महाराज ये जो नया आदमी लगा है ये ऐसा कर रहा, हम नहीं कर रहे। तो महाराजा राहुगुण ने व्यंग में बहुत कुछ कहा, तो वहाँ पहली बार जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला और उन्होंने इतने दिव्य ज्ञान की बातें की कि महाराजा राहुगुण कहते हैं मेरी पालकी रोको, मुझे नीचे उतारो। एकदम जड़ भरत जी के चरणों में गिर गए, कहते महाराज मैं इंद्र के वज्र से, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, पर एक ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, मैंने बड़ा अपराध किया, आपके चरणों में मुझे क्षमा कर दो, आपको अपनी पालकी के नीचे लगाया। तो महाराजा राहुगुण को जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया, और महाराजा राहुगुण जो हैं जड़ भरत जी के शिष्य बन गए। अभी यहाँ पर नुक्ता क्या है, नुक्ता यह है कि थोड़ी सी भी गलती करने से, जैसे महाराजा भरत थोड़े से हिरण से उनका मोह हो गया तो हिरण बनना पड़ा। हम अगर अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे में अंदर कितनी मोह माया है, परिवार से कितना मोह है, संसार से कितना मोह है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों इस बात को याद रखो, ये संसार हमें छोड़ना पड़ेगा, इस संसार में हम में से कोई भी नहीं रह सकता। अगर मोह माया संसार से बनी रही तो छोड़ते समय बड़ा कष्ट होगा। अभी से हम अभ्यास करें, भगवान का यही परामर्श है, अभ्यास ही ना तो कौन थे या?
वैराग्येन चक्रियते। अर्जुन तुम अभ्यास कर, क्या मन जो है तेरा ये बार बार बुराई की तरफ जा रहा है। मन जब तक कुंठित है, बद्धावस्था में है, इसने बुराई की तरफ जाना है, लेकिन इस मन को बार बार हमने भगवान की ओर लगाना है। भगवान का यही परामर्श है, अभ्यासेना तो कौंतेया वैराग्येन चक्रियते। हे कुंती पुत्र, तू अभ्यास कर और मन में विराग ला। विराग क्या? मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लाया था, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा, मेरा यह शरीर भी नहीं है। मनुष्य तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। तो ये विराग मन में लाना है, इसका अभ्यास करना है। श्री कृष्ण का परामर्श है अभ्यास करने का, तो अभ्यास करने से ही धीरे धीरे हम अपने मन को शुद्ध कर सकेंगे, भगवान के चरणों में लगा सकेंगे, तभी हमारे अंतिम समय का भाव अच्छा बनेगा। वो यहां प्रश्न आता है, अंत समय का भाव अच्छा कैसे बने? अगर आज हम अपने भाव को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तब हमारे अंत समय का भाव अच्छा बनेगा, नहीं तो बहुत कठिन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare.